हाँ, आज जो है वो हमें मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी बहन की शादी है और हमें मौका नहीं मिलेगा, इसी वजह से आज हम अपने सलून में ही व्लॉग को स्टार्ट करेंगे। 2023 का सबसे बड़ा मेन्यू है कि व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। और आज बहुत 34 डिशेस रखी हैं, आज हमने सबके लिए सरप्राइजिंग होगा हॉल में। हिल टॉप लॉन पूरा बुक किया है, इसमें सारे हिल टॉप बैंकेट जो हैं जितने भी हैं इनके, प्लेटेनियम डायमंड ये सब हमने बुक किए हैं। आज का जो मेन्यू अभी आप लोग देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट हमने सब कुछ ही रख दिया है और इवेंट भी ऑलमोस्ट 2000 लोगों का है। अभी तक मेन्यू सोशल मीडिया पे भी शेयर नहीं किया है, हम तैयार यहाँ हो रहे हैं इसीलिए हम सारी व्लॉग यहाँ बना रहे हैं। तो खैर, अभी तक किसी को भी नहीं पता है ये कि जो है वो डिशेज हैं क्या क्या, ये सरप्राइज़ है सबके लिए, घर वालों के लिए भी सरप्राइज़ है। अभी हम इनको, मैं ज़रा रेडी हो जाऊँ तो मैं आपको भी सब डिशेज शेयर करता हूँ अपनी जैकेट दो। तो खैर, अभी मैं आपसे शेयर भी करता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं मेन्यू में। स्टार्टर में इतना कुछ कर दिया है हमने कि जो है वो स्टार्टर खा के पब्लिक जो है वो पेट भर लेना है उन्होंने। अच्छा, तो खैर अब मैं रेडी हो गया हूँ, अब मैं आपसे शेयर करता हूँ मेरा मेन्यू आज का है क्या। हमने जेंट्स को अलग दिया है मेन्यू और लेडीज़ को अलग दिया है, थोड़ा लेडीज़ टाइप मेन्यू बनाया है और जेंट्स में जेंट्स टाइप मेन्यू बनाया है। ये हमने ये आज का प्रोग्राम हिल टॉप में, ये सारे हिल टॉप हमने लिए हुए और अपने स्टार्टर में आज लस्सी से स्टार्ट किया है हमने, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, हमने फ्लेवर्ड लस्सी का काम है आज सारा। तो हमने इसमें पाकोला, हमने इसमें मरिंडा और हमने इसमें नॉर्मल लस्सी हमने इसमें रखी है। अब जैसे कि अगर जेंट्स की बात करते हैं, पहले हमने जेंट्स में आज बीफ बिरयानी बोनलेस पे डाली हुई है और इसके अलावा बीफ का हमने आज कीमा डाला है और इसके अलावा मटन में हमने आज तीन वैरायटीज़ डाली हैं, मटन का बादामी कोरमा डाला है, मटन की चटपटी रान डाली है, अभी मैं आपको उसकी सर्विंग दिखाता हूँ, और मटन भुंजई कबाब डाले हैं। इसके अलावा प्रॉन ग्रिल, ये भी हमारा लाइव आइटम है, ये अभी सर्व होगा। तो बीफ का कीमा हमने इसमें रखा है, बीफ के कीमे के साथ हमने इसमें मटन के काफ़ी सारे आइटम रखे हैं कि आपके मुंह में गारंटी पानी आ जाएगा। और मटन की चटपटी राने हैं जो हम लोग हमेशा खुद सर्व करते हैं अपनी चीज़ें, और मटन के हुंजई कबाब हैं। तीन हमने आइटम ऐसे रखे हैं, मेजॉरिटी हम इतने टाइम से इवेंट्स कर रहे हैं, मटन में कबाब बहुत कम लोग रख पाते हैं हमसे भी, तो मटन का कबाब का जायका बहुत अच्छा होता है, फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। तो हमने आज ही तीन आइटम मटन में रखे हैं। फिर हम अगर हम बात करते हैं सी फूड, जो हम छोड़ नहीं सकते, जो सी फूड में भी अगर आप देखा जाए तो आज हमने फ़िश को क्रैकर में तैयार किया है। फ़िश के अलावा हमने प्रॉन ग्रिल करें, जो टिपिकल अगर आप देखे जाएँ तो राशिद सी फूड बंगाली जो हमारे किमाड़ी में हैं उनके जैसे प्रॉन हमारे पास बहुत शानदार तैयार होते हैं, और हमने वो वही प्रॉन रखे हैं आज अपने गेस्ट के लिए। तो ये आइटम बहुत मज़ेदार हैं आज के। अब बात करते हैं चिकन की। चिकन में तो मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता कितने सारे आइटम हैं क्योंकि 34 डिशेज हैं, मुझे सारी डिशेज तो याद है नहीं कि क्या क्या चीज़ें हमने जो हैं वो इवेंट में डाली हैं। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूँ चिकन में, तो आज हमने स्पेनिश चिकन रखी है। स्पेनिश चिकन अभी स्पेनिश चिकन जो है वो बेसिकली वो बोनलेस चिकन का आइटम है और उसके अंदर हमारा एक बारबेक्यू सॉस मिला हुआ है और वो बारबेक्यू फ्लेवर के साथ ही फ्राई होती है। उसके अलावा चिकन में हमारे पास और जो आइटम है वो चिकन मखनी हांडी है। मखनी हांडी के अलावा हमारे पास अनारकली बोटी है। ये बारबेक्यू में हमारी स्पेशलिटी है, बोटी में अनारकली बोटी हमारी बहुत शानदार तैयार होती है, अनारकली बोटी है।
तो हमने फालूदा रखा है, जिसका क्रेडिट टोटल जाता है कर्मेलो वालों को, उन्होंने हम पे हमें बोला कि हम बिल्कुल करेंगे आपके लिए, आपके घर का काम है। तो फालूदे हमारे लिए बेसिकली फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे लिए, क्या किसी के लिए भी, इनफैक्ट इन्होंने भी पहले नहीं रखा अपने किसी इवेंट में। और आज हम स्टार्ट लेंगे सबसे पहले फालूदा से। वन बाइट रसमलाई रखी है, जो उसकी सर्विंग अभी मैं आपको वेन्यू में पहुंच के दिखाऊंगा, हमारे अपने बंदे करेंगे छोटे छोटे उसके हमारे प्यालों में वो सर्व होगी। ड्राई फ्रूट की कॉकटेल का एक मीठा हमने तैयार किया है, इसको हम क्रीम कॉकटेल कहते हैं। देसी घी पे गुलाब जामुन हमने तैयार किए हैं, लाइव वन बाइट इमरती हमने रखी है। सो फाइनली इवेंट हुआ खत्म, और आपने देखा सारे हाइलाइट्स हमारे, बहुत हेटिक इवेंट था। एक तो घर का इवेंट होता है जब, तो सारी जिम्मेदारी होती है कि सब चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएं, लेकिन क्योंकि गेस्ट हमारे अपने होते हैं तो मुसलसल उनको टाइम देना होता है। तो जितना हम आज की व्लॉग बना पाए, जितने आइटम्स मैं कवर कर पाया, वो सब अभी आपने देखा। और कोशिश यही रहती है कि कुछ नए नए लेके आएँ। ये तो अपना इवेंट था, तो बहुत कुछ नया डाल दिया आज के इवेंट में। रसमलाई डाली, वन बाइट रसमलाई, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, पब्लिक ने बड़ा बहुत लाइक किया उसे। और इसी तरह इंशाल्लाह आप हम आपको नए व्लॉग में एक नए वेन्यू के साथ, एक नए मेन्यू के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ऐसे हमें प्यार करते रहें, हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग पे। अल्लाह हाफिज़। डन, क्या हो गया।